श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद हर राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद दसवीं गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद ज्यो बुलावै तो बोलै स्वामी कुदरत कवन हमारी साधु संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी ज्ञान ध्यान किश कर में न जाना साफ जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी वाहिगुरु साहिब जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुआब सबसिख संता भाई भाई वडभागे धनता दी युग जो कि इस वक्त युगो युग अटल नदी के सुभाईमान चब तख्त दे मालिक हाजर महाराज सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र गोद में बैठ करके सतगुरां की पवित्र गुरबाणी का आनंद माणते हुए अपने जीवन दियां कुछ घड़ियां सफलियां बना रहे हो वड्डियां भागां वाले हो। आओ गुरु चरणों में बैठ के सतगुरां के पवित्र इतिहास सरवण करके राही लैके धनता दे योग बणीए। कल आपने सरवण किया कि धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज मेरी पीढ़ी के मालिक सच्चे पातशाह अपने गुरसिखा के नाल गुरमता करके ये ब्यासा दरिया के पारले पासे रोहिले पिंड विखे जी पदरी जगह है उच्ची जगह है इतने हम अपना किला बना रहे हैं चौमासा कट्टण वास्ते कि जदों सावन भादरों के दिन चौमासा होएगा इतने आकर के बरसात के आनंद लिया जाएगा। सतगुरु जी महाराज तैयार कर रहे हैं इस नगर का अपने आप को कहाने वाला चौधरी केरड़ दास जिहड़ा कि शाहजहान बादशाह के नेड़े है ये हुण बादशाही का घमंड करता होया सतगुरां के अगे आके बकवास बोलता है। सतगुरु जी इन समझाते हैं कि सियाणा बन तेरी किसी ने बात नहीं पुछनी जिहड़े गुर धरोही बने वह नरकां दे भागी बन गए परिवार समेत केरड़दास तेनू जवान बंद कर लैनी चाहीदी है अगर जे तू जवान नू लगाम नहीं देगा तो फिर इहदा हशर तेनू माड़ा भुगतना पवेगा दुखी होएगा कोई तेरा सहायक नहीं बनेगा। आओ हुण इस तों अगे इतिहास नूं सरवण करिए सतगुरु जी महाराज किदां रहिणकां वरतांदे हन। वाहिगुरु जी सतनाम वाहिगुरु जी ए केरड़ अब अवगत पावै सब चंदू के नरक सधावै बचत नहीं दीप्त मर रहै आज काल में मृत को रहै। ते सतगुरु जी महाराज अपने गुरसिखां दे नाल ये वचन करते हैं कहते गुरु प्यारियो ये कदाचित भी केरड़दास बाज नहीं आएगा ये अपनी आदत तो मजबूर है तो जिहड़ा बंदा अपनी आदत तो मजबूर हो जाए वो भावें नित रोज़ बेइज्जती होंदी रहे उन्हों कोई परवाह नहीं वो बेइज्जती करवाओ सिख गया कहन दा भाव
हर जगह जगह तो यह अपनी बेइज्जती करवाता है कि घेरणदास का भी यही काम है कि यह हर जगह तो अपनी बेइज्जती करवाता है कि मतिया होया हंकार का इदा दियां गल्लां करदा है। जापदा कि दीवान चंदू वांगू यह भी नरकां का भागी बनना चाहता है। दीवान चंदू वांगू यह भी नरकां का भागी बनेगा ते नरकां विच पै के वड्डा दुख सहेड़ेगा। कोई भी वाली इन्हां दा सहायक नहीं बनता कि होंदे डींगा मारदा है, बड़ियां उच्चियां उच्चियां हवा हवा दे विच तलवारां मारदा है, कहिंदा कि मैं बादशाह शाह जहान पासों फौज लिया के इदां करा देंगा उदां करा देंगा, पर किसी ने इहदी बात नहीं पुछनी। बादशाह शाह जहान कित्थे वस रहा है, ये कित्थे रोहिले पिंड विच बैठा होया है, किन्ने इहदी पुकार सुनी है। इस वास्ते अजकल इहने मौत की प्राप्ति कर लेनी है, मौत के मूँह विच पै जाएगा क्योंकि इन्हें बोलनों हटना नहीं। ते असी अपने गुरसिखा नूं हुक्म दे के ते इहनूं चाटा छकाउणों असूं वी नहीं मुड़ना। इस वास्ते अजकल दे विच ही ये मौत नूं सहेड़ लवेगा। हिम कै मौन करी जगन्नाथ बने कोट वड तूरण साथ, मानव लगे कार समुदाय थरे सिख कह कह बनवाए। एदा सतगुरु जी कह के ना चुप हो गए। धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज ये लफ्ज बोल के ये वचन छड के अपने मुखारबिंद विचों चुप हो गए। तो गुरु के प्यारे बड़ी तेजी दे नाल उसारी करी जा रहे हैं। किले की भाई विदे चंद जी ने कमांड संभाली हुई है, बड़े सारे मजदूर ते मिस्त्री डेढ़े डेढ़े दे पिंडा विचों लगे हुए है, क्योंकि हर कोई कहता है मैनू इत्थे काम ते लवा लो, मैनू भी इत्थे काम दवाना कर दिओ। क्यों कहते हैं? शाबा नू बड़े सारे पैसे प्राप्त हो जाते हैं, बड़ा सारा धन मिलता है, ते बड़े खुश ने, ते जस गाउंदे गुरु दे घर दा, सतगुरां दे घर दा जस गायन करते हैं। कहिंदे भई सतगुरु जी महाराज के घर के काम करते हैं तो मोहो मंगे शाम को पैसे मिल जाते हैं, वाधू धन सतगुरु जी महाराज देंदे है, उत्थे किसी तरह का घाटा नहीं। फिर एहोजी जगह पर जिहड़ा बंदा दिल ला के काम नहीं करता वह किरत घाण है। जिहड़ा धन लैके उत्थे काम ना करेगा तो किरत घाण है। जितने भी मजदूर ते मिस्त्री ने बड़ी तेजी दे नाल काम विच लगे हुए है, कार सेवा विच लगे हुए है, एक किले की कार सेवा दिन प्रति दिन हुण चलती जा रही है। अते गुरु के जिहड़े अनन सेवक ने, इदा कह लो अनन सेवक ने, भाई विरे चंद, भाई जेठा जी, जाति मलक जी वर्गे ये लागे खलोते हुए तो काम करवा रहे हैं, निगाह रख के तो काम करवा रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। तो मजदूर मिस्त्री बड़ी काहली दे नाल काम करते हैं। सुन मेहनत नर आपत धाई, विरी चंद कै सबन लगाए, तिस दिन केतक होए सचार, संध्या लग पैसे कर सोकार। कि इत्थे मजदूरी का काम सुन के ना जिहड़े मजदूर ने वह भजे आते हैं कि भाई गुरु के घर के काम करके वाधू जिहड़ा पैसा मिलना करता है। नेड़े नेड़े दे पिंडां नूं जिवें जिवें गरीब लोगों नूं पता लग्या वह मजदूरी करन वास्ते दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अते विधि चंद जी सारिआं दा नाम लिख के ते मजदूरी ते लगाई जांदे है। जिवें जिवें आए किसी नूं कोई जवाब नहीं, जिवें जिवें आए किसी नूं कोई जवाब नहीं, नाम लिखिया ते भाई विधि चंद जी ने मजदूरी ते लगाना कीता। उस दिन ही काफ़ी जिहड़ा किला सतगुरां ने तैयार करवा दिता, जिहड़े किले की उसारी हो रही सी ना, इतिहासकार कहिंदा कि एक दिन विच ही बड़ा सारा किला जिहड़ा वो तैयार हो गया। शामा तक मूंह नेरे तक मजदूर जिहड़े है ना चिनाई करते रहे है। मजदूर ते मिस्त्री कहिंदे है कि भाई जदों गुरु के सिख बड़ा सारा धन दिंदे है तो फिर इत्थे समें की कोई गल नहीं, जितना भी वध तो वध समा लग जाए
ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਚਿਨਾਈ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੀ ਨਿਸਾ ਤੇ ਸਾ ਪਰ ਸੋਏ ਜਾਗੇ ਬੌਰ ਬਰਾਤ ਕੋ ਜੋਏ ਹੋ ਲਗੋ ਤੈਸੇ ਤਬਕਾਜ ਹੇਰੋ ਫਿਰ ਕਰ ਗੁਰਮਰਾਜ। ਰਾਤ ਪਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਗੇ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਰਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਚਿਣਾਈ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚਿਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਰਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਲਟੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਟਾਂ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਫਰਮਾਇਓ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਜਨ ਬਣੋ ਬਣਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਗਣਾ ਧੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦਾ ਅੱਜ ਦੁੱਗਣਾ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਧਨ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤ ਬਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇਖੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਥੱਪਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਮਨੇ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਚੰਦੂ ਵਾਂਗੂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜ ਲਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਸਤਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਹੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰੜ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੇਰੜ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਸ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੂਲ ਉੱਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਨਾ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਘੇਰੜ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਨਾ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਨਿਕਟ ਸੁਣ ਗਣ ਜੇ ਸਵਧਾਨ, ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਜਪ ਜਟ ਕਰ ਆਇਓ, ਘੇੜਾ ਦੇਖੋ ਨੀਨ ਬਣਾਇਓ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਯੋਧੇ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਦਾਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਵਿਧੇ ਚੰਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹੀਨ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਪਹਿਲ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਘੇਰਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਪਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਰੂਪਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੋਹੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਮੌਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਤਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਸੀਨਾਜੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਘੇਰੜ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘੇਰੜ ਦਾਸ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਰੜ ਦਾਸਾ ਉਹ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੇਰੜ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਤੈਸ਼ ਦੀ ਵਿਚੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਇਓ, ਗੁਰ ਈਰਖਾ ਦੁਖਰੀਦਾ ਬਣੋਇਓ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਘੇੜ ਦਾਸ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਾਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕਿ ਘੇੜ ਦਾਸ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
हुण मैनूं यतन करना पवेगा जिहदे नाल कि गुरु इत्थों डर के ते उठ के चलिया जाए, मेरा जिहड़ा कब्जा इस धरती ते बरकरार रहे क्योंकि मैं शाहजहान पातशाह दे लागे हाँ। गुरु कोलों छुटा लवां होर कोई भी इहदे उत्ते अपना हक हकूक नहीं जताएगा, पर इहनूं इह नहीं पता कि इह कदाचित नहीं होणा किरण दासा। इह बड़ा दुख दे विच होया, सतगुरु जी महाराज ने इतने वड्डे प्रताप नूं देख के जरदा नहीं, दिन रात शोभा होण लगी इह देख करके जरदा नहीं। कह लो कि जिवें पतंगा दीवे की लाट से सड़ना चाहता है ना, दीपक के प्रकाश से सड़ना चाहता है, हुण इह सतगुरां दे प्रताप से अपनी जान जिहड़ी लाउणी चाहता मरना चाहता सी, इहनूं कई बार डक्किया पर इह हटिया नहीं अपना रूप जमाना चाहता सी, अखां कढ के ते सतगुरां नूं बुलाउणा चाहता सी। शाहो जहां बल तीकर बनता, काल निकटपा नहीं लखंता, आयो चल कल श्री गुर ओरी, रूल पाग सरहात सपूरी। कि इहदे मन दे विच इही बड़ा घमंड सी कि मैं बादशाह शाहजहान दा बंदा, इहदे मन दे विच इही घमंड सी कि मैं बादशाह शाहजहान दा बंदा, गुरु मेरे सामने की चीज़ है। इदां इह अपनी मौत नूं ते जाणदा नहीं कि इत्थे मैं जे विरोधता करांगा ते मेरी मौत है, इस गल नूं जाणदा नहीं, पर केवल ते केवल ये मन दे विच घमंड धार के ते सतगुरां उत्ते वार वार चढ़ के आउणा करदा है। उहने सतगुरां वाले पासे आ गया, इतिहासकार कहिंदा कि सिर दे उत्ते ढिल्ली जी पग बन्नी होई है, धौण धण दे विच धसी होई है, बड़ा इहदा जिहड़ा शरीर सी ना कोझा जिहा सी, कहिण दा भाव कोझा जिहा शरीर सी, ते कोझे जिहे बंदे विच तुहानूं पता ही हुंदा कि हरकतां बड़ियां ज्यादियां हुंदियां, क्योंकि बड़िया सारिया पंजाबी दियां कहावतां भी बनिया हुई हैं, जितना बंदा कोझा होएगा उहदे विच शरारतां ज्यादियां होणगियां। इह किरण दास हाथ विच सोटी है, सिर ते पग ढिल्ली जी है, ते बन्न के ते हुण सतगुरां वाले पासे तुरिया हुंदा है, जिथे सतगुरु जी महाराज दीवान सजा के बैठे हुए हैं उस पासे वल आ रहा है। किसी तरह का इहदे हिरदे विच सत्कार नहीं, प्यार नहीं, ना ही इह सतगुरां अगे भेटा अर्पण करना चाहुंदा है, इह सामने तो सामने आ के ते सतगुरां नूं भैड़ा बोलना चाहुंदा है, इह सतगुरां दे सिखां नूं इह दिखाउणा चाहुंदा है कि तुहाडे गुरु विच कोई ऐडी ताकत नहीं, मैं इहदे तों हावी हाँ, ते मैं जमीन छड़ा करके रहांगा, कदाचित भी इत्थे कब्जा नहीं करन देवांगा। अपने आप नूं वड्डा कहाउणा चाहुंदा सी, अपने कहिण दा भाव कि वडियाई वास्ते इह वार वार आउंदा है। आ गया हाथ विच सूटी फड़ी हुई, ढिल्ली जी पग बन्न के ते सतगुरां वाले पासे मूँह चुक के तुरिया आ रहा सी। महामूंड कुड़ियार कपत्ता, चैत निकट जैपे चमगत्ता, इसको आज डराओ बसाला, जे सुनकर जावे कर टाला। कि बड़ा कपत्ता बंदा है, झूठा बंदा है, अते भ्रिष्टचारी बंदा है, सतगुरु जी महाराज के पास जाके ते ये कहना चाहुंदा सी, मन दे विच सोचदा हुंदा सी कि गुरु नूं जा करके अखां कढ़दे आं ते अज डराउंदे आं तां कि सतगुरु जी इत्थों टाला वट जाए, ते चंगी गल है कि जमीन मेरे कब्जे विच रह जाए, यह जमीन मेरे कब्जे विच रह जाए, क्योंकि मैं बादशाह वाले पासे तो सब कुछ करवा ही लैणा, कोई नहीं पुछेगा, पर जे एक बार ये गुरु इत्थों निकल जाए ना अखा कढ़िया कुढ़िया ते ते चंगी गल है। इदां दियां गल्लां सोचदा इह सतगुरां दे लांघे पहुंचना कीता है। नाहे तलश कर को ले आओ, पातन रोकन फल खराओ, गहो जाए के मारो जाए, आगे रहो शाओ सपाई। कहन लगा कि जे इदां ना जाएगा ना फिर बादशाह शाहजहां दे पास जाके ते मैं फरियादी बनांगा, वड्डी फौज लै करके आवांगा, ते इहनूं जां ते मौत दे घाट उतार देंगा गुरु नूं, जां इहनूं पकड़ करके ते बादशाह शाहजहां दी कैद विच पवा देवांगा, क्योंकि बादशाह पहलों ही इहदे ते गुस्से है, इहने उहदा बड़ा वड्डा लश्कर मारना कीता है,
ते जे ये फड़ के लै गया ना मैं जिथे बादशाह इनू कैद विच पाएगा अपना गुस्सा कढ़ेगा उत्थे मैनू होर नेड़े ला लवेगा ते उच्च पदवी देना करेगा। इदां दीआं गल्लां कि अरदास हुण मन दे विच सोचदा सोचदा सतगुरां वाले पासे आई जा रहा सी। हिम चित मैं चितवद चले आयो जा बैठे गुरदेव सहायो। इदां सोचदा सोचदा ये सतगुरां दे पास आ गया गुरु प्यार वालिओ। जदों हुण सतगुरां दे पास आया धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज मीरी पीर दे मालक सच्चे पातशाह बैठे हुए है गुरता गद्दी उत्ते सुभायमान है रबाबी कीर्तन कर रहे हैं गुरु के सिख त्यार पर त्यार बड़े सुचेत ने ते बैठे हुए सरवण कर रहे हैं। मूर्ख ने आके नमस्कार नहीं की बोलो मूर्ख नमो न कीनी जात मान समय मत भीनी कि इहदी जिहड़ी मत है गुस्से विच ते हंकार विच भिजी हुई है ना ते इन्हें कोई भेटा अर्पण की है ते ना इन्हें नमस्कार की है आकड़िया होया ये गुस्से विच है सामने तुरिया आता ते सामने ही आके ये सतगुरां दे खलो गया सामने इन्हें खलोना किया है बैठन देवे इन्हें कोई लोड़ नहीं समझी ते ना ही किसी तरह का सतगुरां का सत्कार करना किया है। नहीं डरो करबे उत्पात समझो भली ना अपनी बात ते सतगुरां दे नाल झगड़ा करनो टलना नहीं सी चाहुंदा झगड़ा करन तो ये टलना नहीं सी चाहुंदा कहिंदा सी कि मेरे जिउंदा होया ये गुरु किवें इस रहायश ते कब्जा कर जाएगा भला इस जगह ते किदां कब्जा कर जाएगा गुरु दी की मजाद है गुरु दी की तक है कि मेरे जिउंदे जी घेरड़ दास दे रोहिंदे पिंड विच रहिंदा होया इस जगह ते एक किला बना के रहे कि इहनूं पता नहीं शाहजहान बादशाह दा कि उहदे वाले पासे तो बड़ी सारी मार इहनूं पवाई जाएगी वह तो इहनूं लभदा फिरदा है कि लुकदा लुकाउंदा इस पासे वल आ गया सारा घर बार भी उजाड़ पुराण लिया पर हाले भी इस गुरु नूं समझ नहीं आई ते हुण इत्थे आ के ये पुठा पंगा जिहड़ा छेड़ना चाहुंदा है। श्री हरगोबिंद संत बखाना मरो चैत क्यों मूंढ महाना शाहजहां रह है किस थाई मारू मरे कूर बिन आई ते इन्हां सरबरां दे सामने खलो के विंगा बोलिया माड़ा बोलिया ते धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज कहन लगे मूर्खा इहनूं असीं पहलों भी बड़ी वार समझा चुके हाँ मूर्ख घेड़दास तेनूं असीं पहलों भी बड़ा समझाना कीता है क्यों तू अपनी मौत करवाउणा चाहुंदा है क्यों मरना चाहुंदा है सानूं दो चार दिन हो गए अपने सिखां नूं वर्जित करदिआं नूं सिख ते बड़े काले है जो कुछ तू इत्थे आके बोलदा है पर असीं तेरा हाले भी लिहाज करी जांदे आ कि तू पिंड दा चौधरी है ते आराम दे नाल टिक ये साडी जगह ते असीं अपनी जगह ते किला बनाउणा ही बनाउणा है कदाचित तू डक नहीं सकेगा ये बादशाह जहांगीर वल्लों गुरु दरबार नूं ये जगह देना कीती है ते शाहजहां जिहड़ियां तू डिंगा मारदा है वह बड़ी दूर वसदा है उहदे आउण तों ते पहलों तेरी मौत हो जाणी है कोई तेरा सहायक नहीं बनेगा ते सियाणा बण गुरु घर विच निम्रता धार के आईदा गुरु घर दे विच निम्रता धार के आईदा आराम दे नाल बैठ ते बैठ करके गल कर इदां बकवास नहीं बोली दी प्राण उभार दृष्ट दे डर नए आमन इत को कस कर शाओ भरोसो मैं मर जय हैं हमने डरै तुरक बद कह हैं। सतगुरु जी महाराज कहन लगे कि अपने प्राणा नूं बचा लै ते साडे नेत्रां तों दूर चलिया जा घेरड़दास दूर चलिया जा जे अपने प्राण बचाउणा चाहुंदा क्योंकि असीं तैनूं कहने आ कि हुण चलिया जा साडियां अक्खां तों दूर मुड़ करके फिर कदी इस पासे वल आई ना जे तूं अपने प्राण बचाउणा चाहुंदा जे तूं वापस फिर आ गया ते घेरड़दासा तेरी इत्थे मौत हो जाणी है कोई तैनूं छड्डेगा नहीं तू बादशाह दे भरोसे ते ना रही बादशाह दे भरोसे ते किते अपने प्राण ना गवा दवी
बादशाह ते पता नहीं अजे आएगा कि नहीं आएगा, तू अपने प्राण पहलो गवा लवेगा। ते दूसरी गल ये है कि केरड़ दासा उस तेरे बादशाह का भी सानू डर नहीं, अजे थोड़े दिन ही होए है कि उहदी फौज नू असां ने चना चमाने कीते है। 7-8 हज़ार की गिनती विच 7-8 सरदार लैके आए ते सने सरदारा साडे गुरसिखां ने उहनां नू थाई रखना कीता है। असीं उहदे तों वी केरड़ दासा डरदे नहीं जिहड़ियां तू डिंगा मारदा है, ते एवें ना केरड़ दासा अपनी जान गवा। जिहनू एक बार कहना कीता कि चुप करके चलिया जा, सुन केरड़ कर क्रोध बखाणत, अजो ना छाओ जहां को जानत, जिस ते आती रात पलायो, सगलो ब्याह समाज लुटायो। कि जदों सतना ने इदा किया कि माड़ी मत वाला गुस्से विच आ गया, कि गुस्से विच आ के केरड़ दास पता की बोलता गुरु प्यारे, कहन लगा हां जानदा गुरु मैं तेनू वड्डे गुरु नूं, कि तू उही गुरु है ना जिहड़ा कि अपनी धी दे विआह दा साजो समान सारा श्री अमृतसर तों लुटा करके ते फिर इस पासे वाल अपनी जान बचा के ते दौड़ आया भज आया अद्धी रात वेले अपने घर छड के ते दौड़ना कीता है, मुड़ के तू वापस भी इस तरह नहीं किया। विआह दा सारा साजो समान नूं लुट करके लै गए, तेरे पल्ले कोई छड़ना नहीं किया, तू बचदा बचांदा बचदा बचांदा हुण साडे इलाके दे विच आउणा कीता है। नेठ नेठ क्यों हो बज रहो, अंधकारी मैं किनहू ना रहो, सुधा सरोवर सदन शनाई, केतक सिख बपरे मरवाए। के हुण लुक लुक के तू अपनी जान बचाउंदा फिरदा, लुक लुक के अपनी जान बचाउंदा फिरदा कि हनेरे विच तेनू किसी ने देखिया नहीं, नहीं तो तेनू ही शाहजहां की फौज ने उत्थी ढेरी कर देना सी ते कम मुक जाना सी, बड़े सारे सिख तू बेचारे मरवा के ते आप इस पासे वल दौड़ आया। आप हुण इस पासे वल दौड़ना कीता है, जानदिआं तू साडे बादशाह का कितना कु नुकसान करना कीता है। सुन सतगुरु बहनो समझावे, रम तो समझ रहे जिम भावे, शाहजहां संग मेरो झगड़ा, शाह लखे है सोहम सगरा। कि इन्हें होर भी बड़िया सारिया गल्लां कीतियां टेढ़िया, ते धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज कहन लगे कि केरड़ दासा असी तेनू पहलों कहना कीता है कि असी जिवें सानू पौंदा असी उस तरह कर रहे हाँ, तू साडे कार्ज दे विच दखल अंदाजी ना दे, जो कुछ सानू पौंदा असी उह कर रहे हाँ ते करके रहांगे तेनू असी कहिंदे हाँ। दूसरी गल ये है जिहड़ी तू रात वाल ही गल करना है, जिहदे नाल साडा झगड़ा है ना, जां उह जानदा है जां असी जानदे हाँ, तू बादशाह दे झगड़े तों की लैणा है। इस वास्ते सियाणा बण, खेतां दीआं गल्लां कदा चित वी करी दीआं नहीं, ते सियाणा बन के ते अपने घर नूं मुड़ जा ते जाके आराम दे नाल बैठना कर, किते इह ना होवे असी तेरे ते तरस करी जांदे हां, तरस करी जांदे हां कि तू वध ही तुरिया जांदा, किते साडे सिख तेनू इत्थे मार के धरती ते ना सुट देना, कि तू धरती ते प्यार रहेगा, कोई भी तेरी लाश चुकन वास्ते आएगा नहीं। सियाणा बन, तेरा यह शरीर भी किसी चुकन वास्ते नहीं आना, तू किम कल्प मूड गवार, इन बातन की क्या जसार, शिमा तरी अब लौत मुख उपर, नहीं तो मरे भरे खल उपर। सतगुरु जी महाराज नू समझाउंदे है, कहिंदे कि केरड़ दासा सियाणा बन, इसदा नहीं करीदा, नहीं तो तेरी किसी ने वास नहीं पुछनी, तू इत्थे रुलेगा ते सब तेनों ठेडे मारनगे। मुख को रोकना बोल कठोरा, ना ते आई अपदा अब भोरा। कि अपने मूँह नूं लगाम दे, ते इदां दीआं गल्लां जिहड़ियां ना सख्त, केरड़ दासा मूँह बोलणों बंद हो जा, इदां दीआं गल्लां ना कर, नहीं तां देख लै तेरे ते हुणे होर विपता आ के पै जाणी है, ते तेनू किसे छडाउणा नहीं।
असी तेनू वार वार समझाउणा करदे आ, साढ़े सिख बड़े उतावले ने पर हाले असी तेरे उत्ते तरस करी जांदे आ। सियाणा बण कोई भी तेरा हमैत नहीं आएगा, मूर्खा एवें बिना मतलब तो अपनी जान गवा लेगा कादे वास्ते। ते चंगी गल ये है कि चुप करके वापस मुड़ना कर, जे पीछे बड़ हुई लड़ाई तो ये कहा न प्राण पाई, परे रह घूम सब यहाँ गए त्याग से गणिए कहा। सतगुरु जी महाराज कहन लगे कि रणदासा जे तू मारी गया ते तेरे तो बाद साडी बादशाह दे नाल लड़ाई होगी, युद्ध हो गए ते तू तो इना फिर देखना करेगा की कुछ हो रहा है, कौन तकड़ा है कौन माड़ा है, अते मुड़ करके ये प्राण तेनू मिलनगे नहीं, एवें मौत के मूँह च पएगा। ते बाकी परी रह भूमि सब यहाँ कि ये जमीन ने तो इत पई रहना, जिदे पा वास्ते तू अपनी जान गवाना ना, ये भूमि तो इतनी पई रहेगी, धरती इतनी पई रहेगी। ये धरती संभालते संभालते कई आए तो कई चले गए, ये इतनी है ये इतनी है, ये कई मालक बने तो कई गए, कई आए तो गए, कादे वास्ते तू झगड़ा करना सियाणा बन। इन गलों में कोई तंत नहीं है, तो शित तो टिक रहे सदामू करें कित कदर हम बसरामू, कि जे तेरी धरती है ना सदा तेरे पास ही रहना करेगी। असी तो एक दो महीने इतने विश्राम करांगे तो फिर असी चले जाना, असी किहड़ा इत्थे सदा वास्ते बैठना कि हिरदासा तू अपनी बालकी अपने पास ही रख। असी तो कदी कदाई साधुओं वाला गेड़ा मारना, तो एवें तू क्यों बकवास मार के ते अपनी जान गवानी चाहता है। जो निज भला च है करटारा बैठ जा ने सदन बझारा, कबना शिमा धरे हमें ऐसे चंदन शीतल होवत जैसे। सतगुरु जी कहन लगे जे अपना भला चाहता है ना तो तू चलिया जा, चंगी गल ये है कि रणदासा कि तू चलिया जा, आराम के नाल अपने घर में बैठ के ते सुख लैना कर। हुण बुढ़ापे विच तू चलिया गया तो तेनों सियाणियां गल्लां करनियां चाहीदियां, असी इस तरह तेनों कितना चिर माफ करते जावांगे, कितना क चिर तेनों माफ करते जावांगे, तेरे मूर्ख दियां गल्लां कितना क चिर सुनते जावांगे। पर तू सियाणा बन ते चलिया जा, जाके आराम दे नाल बैठ। हुण असी बहुता च तेनों बख्श नहीं सकते, क्योंकि चंदन शीतल होवत जैसे, जिमें कि चंदन ठंडा होंदा है ना। सतगुरु जी महाराज नूं उदाहरण दे के समझाउंदे किरणदास नूं, कहिंदे किरणदासा जिमें चंदन ठंडा होंदा ना, ते जे उहनूं जोर दी घसाणा करिए ते उहदे विच्चों ऐसी चंगियाली लगदी है कि उह बड़े सारे फिर भांबड़ी मार दिंदी है, बड़े सारे भांबड़ी मार दिंदी है। ये देख लै असी तेरे नाल बड़ी सारी नरमाई वर्तना की है, पर जे साडे हिरदे विच गुस्सा आ गया तो फिर जिवें चंदन करदा है ना उहनूं घसाईए ते अग निकलदी है, फिर तेरा उह असर होएगा तो फिर पछताएगा, तो पछतावा कितियां कुछ भी प्राप्त नहीं होना। सियाणा बन के हिरदासा चंगी गल ये है कि तू वापस चलिया जा, क्यों एवें शेर नूं शेर कर छेड़ करके ते अपनी मौत करवाउणा चाहुंदा है। सानू ना ते तेरा डर है ते ना ही तेरे बादशाह दा डर है। किरणदास जी किसे दा सानू डर नहीं, ते तेरे नाल बड़ी सारी नरमाई असी वरत चुके हाँ, अगर जे तू हुण नहीं खलोएगा ते तेरी इत्थी मौत हो जाएगी। क्या तू अहे कुरंग मनिंद गर्जन सुनत पलावत ब्रिंद। सतगुरु जी महाराज जिन्हां ने के इनू बड़ा सारा समझाया, कह लगे क्यों टूए विच डिगदा है, जदों तेरे ते विपता बन गई जिन्हां दे तू नां लैंदा उन्हां विचों कोई भी तेनू आके बचाएगा नहीं, कोई भी तेनू संभालेगा नहीं, वो आपो अपनी जगह ते आराम नाल वस रहे है, जे तू इत्थे बैठे उन्हां दे नां लैके डींगा मारी जांदा है
उन्हां दे आउण तों पहलों ही तेरा भोग पै गया ते फिर की करेगा, फिर की करेगा, क्योंकि तू ते मुड़ के नहीं नहाउणा। एक बार जदों तेरा भोग पै गया, जेकर सो पी आन बचावै तुहे संग हम तिसकू घावै। सतगुरु जी महाराज कहन लगे, एक मौके जो आ भी गए ना घेरण दासा तेरे नाल ही उन्हां नूं भी गड्डी चढ़ा देवांगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज मेरी पीर दे मालक सच्चे पातशाह कहन लगे, कहन लगे घेरण दासा जिन्हां दे नां ते तू डींगा मारदा ना, चलो मनदिआं उह आ भी जाणगे ते जो आ भी गए ना ते फिर तेरे नाल ही उन्हां नूं भी गड्डी चढ़ा देंगे, बचणगे उह भी नहीं। ते कादे वास्ते तू फतूल बचाउंदा है, सियाणा ब्याणा बण ते सियाणा बन के वापस मुड़ जा, बुढ़ापे विच तेरी जिंदगी पहुँच चुकी है, ते आराम दे नाल अपने परिवार विच जा करके बैठना कर, असी तैनूं हुण बहुता चिर माफ़ नहीं करांगे। क्यों भुलिया होया तू बोली जांदा है, क्यों भुलिया होया तू बोली जांदा है, किसे दी शादी ते तू अपना आप गवाउणा चाहुंदा है। कहन दा भाव कि किसे दे भरोसे ते अपना आप तू गवाउणा चाहुंदा है, अपने घर चलिया जा ते अपने प्राण बचा लै। चंगी गल इह है कि इह धरती इत्थी पई रहनी है, ना ही असीं बहुता चिर इत्थे बैठना है। असीं ते कदे कजाई चमासे दे विच आ करके इत्थे आनंद लैणा है, असीं कोई पक्के तौर ते कब्जा नहीं करना, ते एवें तूं वादू दियां गल्लां करके ते अपने प्राण ना कढ़ाणा लैकर लैणा करी। इम सतगुर समझावत सियाने, छिमा धरी होए ना कि मझाने, तौ मुड़ के मिरत न्यारी, नै समझो मत नै भुलाई। कि सतगुरु जी महाराज ने इहनूं बड़ा सारा समझाया, गुरु रूप साध सिंह जी बड़ा सारा इहनूं निम्रता दे नाल समझाणा कीता, पर इहदे कोई भी गल खाने विच वड़ना नहीं कीती। क्योंकि आम जी गल है कि जे सियाणा बंदा निम्रता वरतदा जाए वरतदा जाए तो मूर्ख जिहड़ा बंदा ना उह सगों हावी हुंदा है, उह इह समझदा कि शायद मेरे तो डरदे है, वह यह समझता कि शायद मेरे तो डरते हैं, तो इदा ही फिर वह नुकसान अपना करवा लैंदा। सतगुरु जी इहनूं समझाउंदे सी, पर यह अपने मन दे विच सोचदा कि हो सकता सतगुरु जी महाराज मेरे तो डरते हुए इदा तरले लैंदे है, हाड़े कढ़दे है, मूर्ख की मौत नेड़े आई सी ते हुण बचना नहीं सी चाहुंदा, अपने प्राण इत्थी कढवाउणा चाहुंदा सी, इत्थी कढवाउणा चाहुंदा सी, घर वापस जाना नहीं सी चाहता। इन्हें जितनिया भी सलाहां दित्तियां ना सतगुरां ने, इन्हें कोई भी समझना नहीं की, कोई भी समझना नहीं की। इदा कह लो कि हंकार ने इहदी मत मारना की है। दोहरा सुन गुर के बचर इस परे, उच प्रताप समेत नै समझो निंदक महा, प्रभु लगो न भेत। कि सतगुरु जी महाराज के बचन सुन के इन्हें समझना नहीं किया, समझिया नहीं माड़ी मत वाला। महान निंदक सतगुरां दे भेत नूं जान ही नहीं सकिया, यह इतना निंदक बन गया कि सतगुरां दे भेत नूं समझ ही नहीं सकिया कि मैं चुप करके घरे चलिया जा। ते चंगी गल यही है कि मेरे प्राण बच जाणगे। बोलो वा कठोर अभिमानी, मैं ना डरो सुन कह तू अभानी। ते अभिमानी फिर बड़े गलत गलत शब्द जिहड़े बोलना कीते है, सतगुरां ने जदों समझाया तो फिर यह हंकार विच मत्या होया, बड़िया कूझियां कूझियां गल्लां ये बोलन लग गया, तो कहन लगा कि गुरु मैं तेरिया गल्लां सुन करके डरांगा नहीं, मैनू ना ही कोई मौत का डर है, मैं ऐसा तेरा मक्खू बन्ना गा ना गुरु, करो इदात्र तौ संग ऐसे, सिमरै सकल आरपण जैसे। इना घेरण दास सतगुरां नूं कहिंदा कि मैं तुहाडा ऐसा मक्कू मन्नांगा जिहड़ा कि गुरु तूं सारी उम्र याद करेगा कि हाँ मैं घेरण दास की थां ते जाके कब्जा किया सी, ते घेरण दास ने मेरे ते आ कुछ करना किया सी, सारी उम्र तू कदा चित भी भुलेगा नहीं,
ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਘੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਜਲ ਕੋ ਜਸਪਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨੈ ਸਿਮਰਤ ਮਹਾ ਕਰਾਲ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪੱਧਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਨਾ ਮੂਰਖ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਠੱਗ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੱਗ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਧੰਨ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੱਗ ਨੂੰ ਠੱਗ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘੁਆਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਧੰਨ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧੰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜਾਏ ਜੇ ਭਰੋ ਚਹੰਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋਰੇ ਬਣੋ ਮਹੰਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਮ ਕਹਿ ਗਾਰ ਨਕਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੁੰਦ ਕੋਪ ਗੁਰਪੂਰ ਜਾਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੱਗ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੁੰਤ ਕੋਪ ਗੁਰਪੂਰ ਜਾਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਮੌਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਅਪਮਾਨਕਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਣੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਣੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੂਸ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਭਾਰੀ ਰੂਸ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਧਰੋ, ਹਰ ਕਮਾਰ ਨੂਤਨ ਕੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਟਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਕਵਾਸ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਕਵਾਸ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇ ਸ਼ਾਉ ਸਹਾਏ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਜੋ ਅਕਲ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
जिदा नाम लै लैके ये डींगा मारदा ना, देखांगे कितना किसनू आकर के छड़ाएगा। मार मार के इहदी अकल भुला दिओ, ऐसी मार मार ना करो कि इहदी अकल भुलाना कर दिओ। जिस मुक्ति गुर निंदा करे इस पर हतो तुरत फल लै है, कि जिस मूह दे नाल इह गुरु निंदक बने है, वड्डे सतगुरां दी निंदिया करदा है, उहदे उत्ते जुत्तियां मार मार के तुरंत इन्हां निंदिया कीती हुई दा फल इहनूं हुणे ही देणा कर दिओ। सतगुरु जी सुनत हुकम को कोप बसाने कूट पकड़ो सिखन बल वाने। हुण जदों सतगुरां दा हुकम सुणिया ना गुस्सी विच आया तां फटाफट गुरु के सिख उठे है ते पकड़ना इहनूं बाहवां तों काबू कर लिया ते छित्र ला लै ते इहनूं बाहर कढ लिया दीवान दे विचों। बाहर कढ के बस फिर की सी इहनूं छित्रां दी मार जिहड़ी गुरसिखां ने मारना कीती है। जिस मूँह दे नाल बकवास बोलता है उहदे उत्ते हुण छित्र मारन लगे हैं। जिवें जिवें सिख छित्र मारदे सी ना इतना मूर्ख सी हटदा नहीं, होर गालां कढ़ी जांदा सी। जिवें जिवें इहनूं छित्र वजदे है उवें उवें मंदा बोली जा रहा सी। तउ गवार गार को देत अपने पर्यापदा को लेत, लागे जूत बजन सिर भारे किनहू डारे पाग उतारे। कि इतने सारिया जुत्तियां इसनूं वजियां कि इहदे सिर वाली जिहड़ी पग सी उह वी थले डिगना कीती है, क्योंकि कुछ ते पहलों ढिल्ली जी बन्नी हुई सी ते गुरु के सिखां ने जदों काबू कर लिया छित्र परेट कीती इहदी पग जिहड़ी थले डिगना कीती है। पनही हथी वार न पावै रोटे सिर पर शब्द उठावै। कि हुण इहदा सिर रोडा सी, इतिहासकार कहिंदा कि उपर वार भी नहीं, कि जुत्तियां गुरु के सिख मूँह ते सिर ते मारदे हैं ते बड़े जोर जोर दे पड़ाके वजना करदे हैं, आवाज आउणा करदी है, ते गुरु के सिख कहिंदे निंदका दस किथे तेरा बादशाह जिहदे ते तूं ना लै लै किते माड़ा बोलदा सी, हुण तेरे बादशाह दी फौज किथे है, किथे ओह बादशाह जिहड़ा कि तेरी सहायता करन वाला। कोई भी हुण तेरे लागे नहीं आएगा, हाए हाए को मूड उचारत। हुण जिवें जिवें जुत्तियां वजियां ते मूँह तो हाए हाए पुकारता है, आवाजा मारता, पर कोई भी इहनूं छडाउण वाला लागे नहीं आ रहा, कोई भी इहनूं छडाउण वाला इतरा नहीं आ। हुण जदों इन्हें देखिया कोई नहीं आता, यह फिर गाला कढ़न लग गया गुरु प्यार बारे। जिवें जिवें सिख छित्र मारते यह उवें उवें गाला कढ़ता जा रहा सी। ज्यों त्यों मुख पर पनही मारै भयो महा दुख पुरच पकारै, सुन सुन न रियाए समुदाए राखे दूर पटने अटकाए। कि सतगुरु जी महाराज दे योधे जिवें जिवें जुत्तियां मारते है उवें उवें यह बड़ा दुखी होकर ते हाल पा रहा करदा ते पुकारा करदा है। जिवें जिवें ने उच्ची पुकारा कीतियां पिंड दे लोग आए ते सही, पर दूर खलोते हुए है, दूर खलोते हुए है, ते सारे कहिंदे बई इहने दो तीन दिनां दी आखर चौधरी ने चुकी हुई सी, इहनूं बड़ा सारा समझाया सी पर समझिया नहीं, इहने अपनी करतूत तों ही गुरु के सिखां तों जुत्तियां खाणियां कीतियां, इहने अपनी आदत तों ही जुत्तियां खाणियां कीतियां कि इही इहदा हशर होणा सी। कि तीन चार दिन हो गए सतगुरां दे घर दे विच आकर किसनूं बकवास बोलदे नूं, हुण कित्थों तक सतगुरु जी महाराज इहदियां गालां लैंदे ते जरदे कि जिहड़ियां ना कहण वालियां गल्लां उह वी इस पापी ने कह दित्तियां कि उहनां दे पिता गुरु जी दी गल छेड़ करके इहने बड़ी सारी तुहीन करना कीती है। सतगुरां ने इहनूं बड़ा सारा समझाया पर इह समझिया नहीं, हार करके सतगुरां ने अपने सिखां नूं हुक्म दे दित्ता। बौर उठो न समझो मंद सिर नागो दे गाल बुलंद। सतगुरु जी महाराज के सिखां ने मार मार के इहनूं धरती ते सुट दिता, बेहोश हो गया, काफ़ी समा यह बेहोश पिया रहा ते फिर इहने उठना कीता। जदों फिर उठिया ना ते फिर उठ के गालां कढ़न लग गया, ये गालां कढ़न लग गया ते गुरु के सिखां ने फिर इसनूं पकड़ लिया ते मूँह विचों कही जांदा सी कि गुरु तो मैं ये बदला लै करके छड़ांगा, कमौत करके गुरु नूं मारना मारांगा,
कि इहदी अकल टिकाणे कर देवांगा कि जिसने मेरी इतनी निरादरी इतनी बेइज्जती करवाना कीती है। सुनत गारिया गुर की निंदा जान पकारू चित चिंदा, तब सतगुरु ने हुक्म बखाना ए मैखा सुर हमने जाना। हुण सतगुरु ने इनू बड़ा सतगुरु जी महाराज ने सिखा ने बड़ा सारा इस मारना किया। धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज कहन लगे कि असी इनू मैखा सुर दैत जानना किया, मैखा सुर दूत दैत इनू जानना किया, उस तरह ही इसने मार खाना की है। मारो पुर की भेट चढ़ावो देवी रूप पासा पावो। सतगुरु जी महाराज कहते इनू मार मार के मौत के घाट चढ़ा दियो, इस नदी के रुड़ दियो, इहदी लाश भी किसी के हाथ में ना आ जाए, इहदी लाश भी किसी के हाथ में नहीं आनी चाहिए, इनू कमौत करके मार दियो, लत्तां तो पकड़ करके इस घेड़ उदास इस दरिया के रेड़ ना कर दियो। नहीं पुकारू इसी पठावो, जम के सदन तुरंत पहुंचावो, सुन रजाए गुर की सिख धाए, लात मुश्त के घाव लगाए। के सुखा ने ना फिर इस फड़ लिया, छित्र मार दे छड़ दिते, घसुन मुकियां ते गल आ गई। गुरु प्यार वाले घसुन मुकियां ते गल आ गई, बड़ी सारी इहदी परेड करना कीती है। कितनी मार पई घसुना दी, कितनी मार पई घसुना दी कि इहनू मौत दे घाट उतार दिता। तत शिनहानो प्राण बदारा, पर विच ही इहनू मौत दे मूंह च सिखां ने पा दिता। फिर की होया कि लगे मुश्त सिर मह बलवंते, पत जूत पा तन को अंते, के मुकियां ते छित्र इहदे सिर दे विच वजना कीते सी, ते जुटियां पैण दे नाल इहदे तन दा अंत हो गया। नहीं खलोता बड़ी सारी मार खा के ते मौत दे मूंह विच पै गया। ते अगे फिर सिखा ने की कीता, पकड़ी टांग घसीटो फेर, दीन विपासा के विच गेर। गुरु के सिखा ने इनू लत्तां तो पकड़िया, घसीट करके इनू ब्यासा दरिया दे विच वगा करके मारना कीता। जिथे डूंघा पानी सी ना उस जगह ते इनू घेड़ दास नू वगाणा कीता, कहन दा भाव कि ये दरिया दे विच ही बह गया, दरिया दे विच ही बह गया, नज़र नहीं आया। मूर्ख ने इदा निंदिया करके बकवास बोल के ते फजूल ही अपनी जान जिहड़ी गवाणा कीती। ते सतगुरां ने इनू बड़ा सारा समझाया पर ये समझिया नहीं, माड़ा बोलता होया अपने प्राण गवा के ते चलिया गया। रतन चंद घेड़ को नंदन, जब देखो निज पिता नकंदन। ते इहदा पुत्र है रतन चंद, घेड़ दास का पुत्र है रतन चंद। जदों उहनू घर दे विच खबर मिली ना कि मेरे प्यो की मौत हो गई, इस तरह गुरु के सिखा ने मार के दरिया दे विच सुट दिता कि अपने पिता का लाश होया देख के ते बड़ा डर गया। अपने पिता की मौत देख के ना सुन के डर गया कि उहदा जिहड़ा शरीर सी वह भी सानू देना नहीं किया, दरिया च सुट दिता। यह इतना डरिया कि पिंड छड़ के दौड़ गया, पिंड छड़ के इन्हें दौड़ना किया, घोड़े ते चढ़ गया ते रोई जा रहा सी ते दूर चलिया गया। वो क्यों? इहनू इतना डर हो गया कि किते गुरु के सिख घर विच ना आ जाण ते किते मेरे पिता दे नाल मैनू भी मौत दे घाट ना उतार दें। पर सतगुरु जी महाराज ने इदां दा क्यों करना सी? जेहो जिहा किसी ने कर्म किया उही फल भुगतेगा, दूसरा नहीं। इन्हें माड़ा कर्म किया, तीन चार दिन हटे ही नहीं, बड़ी मंद बोली जिहड़ी जाके बोलता रहा ते इह मौत दे मूँह विच पै गया। पुत्र इहदा डरता होया घोड़े ते चढ़ गया, घर छड़ के ते दौड़ गया। हाए पिता तू क्यों ना पलावा, ना ही घरो प्राण बरसावा। अपने पिता नूं याद करके रोंदा ते कहिंदा, पिता ये जगह ते इत्थी पई रहनी है ते पई रहेगी, तू कादे वास्ते इन हक जाके गुरु साहिबान ते उहदे सिखां नूं छेड़िया, एवें बिना मतलब तू अपनी जान गवाणा कीती। तू आराम दे नाल घर विच बैठ करके ते आनंद लैणा सी, तेनूं की लोड़ पई सी कि उहनां दी जगह उहनां ने किला बनाणा कीता, कादे वास्ते तू उस पासे वल गया? रतन चंद ने होर
पिंड दे विच जाके ते शरण लैणा कीती है। पिंड छड के भज गया दा पुत्र होर नगर दे विच जाके इन्हें शरण लैणा कीती ते उत्थे जाके नगर दे कुछ बंदिया नूं पदवंते सज्जना नूं बुला करके ना अपने शरीके बलादरी दे उन्हां दे नाल विचार करनी चाहुंदा है। यत घेर जब सरता डारो सबन आनंद बुलंद धारो कि गुरु के सिखा ने इनू ब्यासा दरिया के सुट करके ते बड़ा आनंद लैणा कीता। इहदा जिहड़ा पुत्र सी उह होर पिंड विच जाके ते हुण कई तरह दीआं गल्लां बातां करना चाहुंदा सी। इन्हें मीटिंग बुलाई अपने बंदिआं दी ते विचार करदा है कि सतगुरां ने बड़ी सारी धक्केशाही करना कीती है ते मैनू इहदे बारे कुछ ना कुछ करना चाहुंदा है। इदां सोच लो कि यह अपने मन दे विच सोचदा है कि मैनू अपने पिता का गुरु पासों बदला लेना चाहीदा है ते मन दे विच विचारदा कि किवें यह कहानी शुरू की जाए ते विचार विचार के ना यह फिर कित्थे जाएगा। मन दे विच सोचदा है कि मेरे पिता नूं भी कमौत करके मारिया ते दीवान चंदू नूं भी कमौत करके मारिया। उहदा पुत्र है करमचंद जिहड़ा कि जलंधर विच बैठा होया है। मैनू चाहीदा कि करमचंद की जाके सहायता लईए। मैं करमचंद के पास जावां ते उहनूं जाकर के कहां कि करमचंदा मेरे प्यो नूं भी कमौत करके गुरु ने मार दिता ते तेरे प्यो नूं भी कमौत करके मारना कीता सी। आपां दोवें बदला लै नहीं सके। लोग आपां नूं बड़े ताने मेरे मारदे है ते क्यों ना होवे आपां दोनों इकट्ठे होईए एक दूसरे के सहायक बनीए ते सूबा जलंधर नूं मिल करके उहदी आपां सहायता लैके ते गुरु ते चढ़ाई करके इहनूं जां पकड़ीए जां इसनूं मार ना करिए। इदां दीआं विचारां सोचण लग गया हिरणदास का पुत्र रतन चंद ते इह हुण जलंधर विखे जाना चाहुंदा है। दीवान चंदू के पुत्र के नाल मीटिंग करनी चाहुंदा है सतगुरां दे नाल युद्ध करन वास्ते। सो अज इत्थे समाप्ती है। कल नूं फिर सतगुरु जी कृपा करनगे। इस तों अगे जिवें इह रतन चंद हिरणदास का मुंडा जलंधर विखे जाएगा दीवान चंदू के पुत्र के लागे ते सलाहां करनगे जे सतगुरां की रहमत होएगी ते कल आप गुरु की सिख संगतां नूं सरवण करवाया जाएगा। बेनती करांगे जितना भी हो सके मन बिरती एकाग्र करके गुरु चरणा विच बैठ करके सतगुरां की पवित्र गुरबाणी पवित्र इतिहास सुन करके मन करके हिरदे विच वसा के लाहे लै के धनता दे योग बणीए। सतगुरु जी महाराज समर्थ ने कृपा दे दाते है साडे सत्ते मीर प्रयास रखणगे साडा भी जीवन समझ जाएगा ते असीं भी धनता दे योग बन जावांगे। कथा करदियां तो बेअंत भुल्लां होईआं होणगीआं जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शिंद पिता है उत्थे आप रब वर्गियां गुरु की सिख संगतां जुड़ बैठे हो। कृपा करो अपने दासां दे सिर ते मेहर ते हाथ रखियो ताकि तुश बुद्धि अनुसार आप जी के चरणों की इतिहासा की सेवा करके धनता दे योग बन सकीए। बहुत बहुत धन्यवाद धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का जिन्हों की रहमत सदका तुश बुद्धि अनुसार आप जी के चरणों की इतिहासा की सेवा की है। सतगुरु जी कृपा करन अपने दासां दे सत्ते मेहर प्राप्त रखन ते दास इसे तरह ही आप संगतां की सेवा करते रहन। होईआं भुल्लां दी क्षमा इन्हीं बेनतियां प्रवान करनियां जी। बुलाओ फतेह वाहिगुरू जी का खालसा।